हेलो एथलीट्स, मैं हूं नीरज पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एथलीट्स फ्यूल में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है पोस्चरल डिफॉर्मिटी। हमारे सिलेबस में टोटल 7 तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी दी गई है, इसे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने के कॉजेस क्या हैं और इनको ठीक करने के लिए कौन सी रेमेडीज अपनाई जा सकती है। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मींस टाइप नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद उसे भी आप जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्चर क्या होता है। पोस्चर का हिंदी मीनिंग आसन मुद्रा होता है। पोस्चर बॉडी की वह पोजीशन होती है या फिर ऐसा अलाइनमेंट होता है जो बॉडी द्वारा डिफरेंट टाइम में मेंटेन किया जाता है और इसे मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मसल ग्रुप एक साथ मिलकर और एक टाइम पर मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। पोस्चर दो तरह के हो सकते हैं, पहला है स्टैटिक पोस्चर, दूसरा है डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक का मतलब होता है जब बॉडी मूवमेंट ना कर रही हो, जैसे कि सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग पोजीशन। दूसरा है डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट करते हुए जो पोस्चर मेंटेन करती है उसे बोलते हैं डायनेमिक पोस्चर, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग करते समय। अब देखते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है। जब हमारे किसी बॉडी पार्ट्स का अलाइनमेंट ठीक ना हो तो उसे हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पाइन से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पाइन जो है सीधी नहीं होती है, ये टोटल 33 हड्डियों के मिलने से बनी होती है। इसमें एक हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रा और टोटल 33 हड्डियों के मिलने से बनता है वर्टिब्रा कॉलम, स्पाइन या फिर बैकबोन। इसमें 4 नेचुरल कर्व होते हैं जो इस तरह से हैं। पहला कर्व होता है सर्वाइकल रीजन में, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कॉनकेव होता है। ये रीजन होता है गर्दन के पास वाला हिस्सा। इसके बाद आता है थोरसिक रीजन, यानी कि अपर बैक का हिस्से को बोलते हैं थोरसिक रीजन। इसका कर्व आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद आता है लंबर रीजन, इसमें 5 हड्डियां होती हैं और इसका कर्व जो होता है इनवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कि कॉनकेव होता है। ये होता है हमारे लोअर बैक का हिस्सा। इसके बाद आता है सैक्रल कर्वेचर, इसमें 2 रीजन होते हैं, एक होता है सैक्रल रीजन, दूसरा होता है कॉक्सीजियल। तो सैक्रल में 5 हड्डियां होती हैं और कॉक्सीजियल में 4 हड्डियां। वो 4 हड्डियां आगे चलकर फ्यूज होकर एक हड्डी में बदल जाती है, लेकिन हमें कर्वेचर के हिसाब से लेना है तो ये हो गया सैक्रल कर्वेचर। ये कर्वेचर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी कॉन्वेक्स होता है। तो हमने देखा स्पाइन में 4 में से 2 कर्व इनवर्ड डायरेक्शन में और 2 कर्व आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं। इनवर्ड डायरेक्शन में सर्वाइकल और लंबर रीजन का कर्व होता है जिसमें लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी होने की समस्या हो सकती है। इसके बाद आउटवर्ड डायरेक्शन में थोरसिक और सैक्रल कर्वेचर होता है, इसमें काइफोसिस होने की समस्या हो सकती है। इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस को हंच बैक, हम बैक और राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं। ये स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। इसमें थोरसिक रीजन का कर्व नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, मींस अपर बैक के हिस्से में जो कॉन्वेक्सिटी होती है ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी आगे की ओर झुक जाती है, हेड भी आगे की ओर आ जाता है और पीछे यानी पीठ के हिस्से में कुबड़ निकल आता है और अपर बैक का हिस्सा राउंड शेप में हो जाता है, जैसा कि हमने कैमल के ऊपर हम देखा है ठीक उसी प्रकार का। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ काइफोसिस के बारे में। पहला कॉज है माल न्यूट्रिशन। यदि किसी व्यक्ति को बैलेंस डाइट ना मिले या न्यूट्रिशियस फूड ना मिले तो उसे काइफोसिस हो सकता है। दूसरा कॉज है रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग। इसमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं और उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचती है, इसकी वजह से वो बॉडी का वेट नहीं उठा पाती हैं।
इसलिए काइफोसिस हो सकता है। तीसरा कॉज है कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर, मींस यदि किसी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन ही ऐसा हो कि उन्हें वेट को उठाकर अपने शोल्डर पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उन्हें भी काइफोसिस हो सकता है। अगला कॉज है ओल्डर एज, एक एज के बाद व्यक्ति के बोन में और मसल में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसकी वजह से भी काइफोसिस हो सकता। अगला कॉज है हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड, इसका एग्जांपल है अगर व्यक्ति कंप्यूटर पर लंबे समय तक झुक कर ऐसे काम करता है तो उसे भी काइफोसिस हो सकता है। कुछ लोगों में शाइनेस नेचर की वजह से वो सामने देखकर बात नहीं कर पाते हैं और अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं, उन्हें भी काइफोसिस की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं काइफोसिस को ठीक करने के लिए हम कौन सी रेमेडीज को अपना सकते हैं। हमें पता है काइफोसिस की वजह से बॉडी आगे की ओर झुक जाती है और पीछे कुबड़ निकल जाता है, तो अगर हम इसके विपरीत दिशा में कुछ एक्सरसाइज करें तो ये ठीक किया जा सकता है, जैसे कि चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्टासन और बैकवर्ड बेंडिंग तथा रिवर्स सिटअप और हॉरिजेंटल बार पर लटकने से भी काइफोसिस को ठीक किया जा सकता है। अगली डिफॉर्मिटी है लॉर्डोसिस, जिसे हॉलो बैक, स्वे बैक और सेडल बैक के नाम से भी जानते हैं। ये भी स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। इसमें लंबर रीजन का कर्व जो इनवर्ड होता है ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, मींस इसकी कॉनकेविटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से एब्डोमिनल यानी पेट वाला हिस्सा आगे की ओर निकल जाता है और वहीं पीछे बैक के पीछे हॉलो हो जाता है, इसलिए हम इसे हॉलो बैक के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली ये लंबर रीजन में होता है तो इसे हम लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है, तब इसे हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलेंगे। इसके कॉजेस हैं ओबेसिटी, अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिव फूड लेता है तो उसे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है डिजीज इन बोन, अगर किसी तरह का बोन में डिजीज है जैसे टीवी इन बोन या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसे भी ये हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे लॉर्डोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी रेमेडीज हैं पश्चिमोत्तान आसन, हलासन, नौकासन, फॉरवर्ड बेंडिंग और सिटअप्स और अल्टरनेट टो टचिंग से भी इसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है स्कोलिसिस, ये भी स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। इसमें स्पाइन यानी वर्टिब्रा किसी एक साइड में आइदर लेफ्ट और राइट किसी एक साइड में बेंड हो जाती है, इसकी वजह से शोल्डर अनइवन हो जाते हैं। अगर ये किसी एक साइड होती है तो इसे हम बोलेंगे सिंगल स्कोलिसिस और इसका आकार जो है इंग्लिश के अल्फाबेट सी आकार का होगा, लेकिन अगर ये किसी दो रीजन में हो जाए, मींस पहले मान लीजिए थोरसिक रीजन में और फिर लंबर रीजन में हो जाए, यानी दो स्कोलिसिस हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे डबल स्कोलिसिस, इसका आकार एस शेप का होगा। कॉजेज ऑफ स्कोलिसिस, पहला कॉज है डिजीज इन ज्वाइंट और बोन, किसी ज्वाइंट या फिर बोन में कोई डिजीज होने की वजह से स्कोलिसिस हो सकता है। दूसरा कॉज है अंडर डेवलप लेग, यानी किसी के पैर छोटे बड़े हैं या अनइवन हैं तो वो ठीक से नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से बार बार उसको झटके लगेंगे और स्पाइन में उन झटकों की वजह से स्कोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, अगर कोई व्यक्ति किसी लोड को एक शोल्डर पर लंबे समय तक रखता है तो उसका एक साइड झुक जाता है, जिसकी वजह से स्कोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है पार्शियल डीफनेस, अगर किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता है तो उसे सुनने के लिए बार बार कान को आगे करना पड़ता है, जिससे भी स्कोलिसिस हो सकता है। इसकी रेमेडीज या करेक्टिव मेजर हैं अर्धचंद्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, चिनअप्स और हॉरिजेंटल बार को पकड़ने के बाद बॉडी को लेफ्ट और राइट स्विंग करने से भी ये ठीक होता है और स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक अपनाने से भी स्कोलिसिस को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है राउंड शोल्डर, इसे अबडक्टेड स्कैपुला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का पोस्चरल डिफेक्ट होता है जिसमें शोल्डर आगे की ओर आ जाते हैं और इनका शेप राउंड शेप हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक ड्राइविंग करता है तो वो अपने शोल्डर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसे ये हो सकता है।
साथ में अगर कोई जिम में गलत तरीके से बेंच प्रेस करता है तो उसे भी राउंड शोल्डर की समस्या हो सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए उसे सही तरीके से बेंच प्रेस करने होंगे और चक्रासन, धनुरासन, भुजंग आसन, उष्ट आसन और रिवर्स सिटअप करने से भी राउंड शोल्डर को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है जेनू वल्गम यानी कि नॉकनी। इस डिफॉर्मिटी में जब व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर सामान्य रूप से खड़ा होता है तो उसके दोनों नी आपस में मिल जाते हैं, मीन्स उसके नीज इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं जिससे नीज के बीच में कोई गैप नहीं बचता, लेकिन वहीं नीज के रिलेशन में उसके एंकल आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर व्यक्ति इस डिफॉर्मिटी में वॉकिंग या रनिंग करने का प्रयास करता है तो उसके नी आपस में टकराते हैं जिससे वो तेजी से भाग नहीं सकता, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता। इसके कॉजेज हैं डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, किसी व्यक्ति का ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मसल बोन और लिगामेंट में अगर स्ट्रेंथ नहीं है मींस वो वीक है तब भी नॉकनी की शिकायत हो सकती है। नॉकनीज की रेमेडीज हैं वृक्षासन, आकर्ण धनुरासन, पद्मासन और वॉकिंग करते हुए नीज के बीच में पिलो रखने से और सोते वक्त नीज के बीच में पिलो रखने से भी आराम मिलता है। साथ में हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग करने से भी नॉकनी को ठीक किया जा सकता है। अगली डिफॉर्मिटी है जेनुवेरियम यानी कि बो लेग। ये नॉकनी के अपोजिट डिफॉर्मिटी होती है। इस डिफॉर्मिटी में व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर जब सामान्य रूप से खड़ा होता है तो उसके दोनों नीज के बीच में एक एबनॉर्मल गैप दिखाई देता है, मींस उसके दोनों नी आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं। इस डिफॉर्मिटी के कॉजेज हैं डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, ओबेसिटी होने के कारण और वीक मसल बोन और लिगामेंट होने के कारण भी बोलेग हो सकता है। बोलेग की रेमेडीज हैं अर्धचक्रासन, अर्धमसेंद्रासन, गरुड़ आसन और फीट के इनवर्ड एज पे वॉकिंग करने से भी इसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट, जिसे पेस प्लेनस और फॉलन आर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये फुट रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। हमारे फुट में एक नेचुरल आर्च होता है यानी नेचुरल कर्व होता है, लेकिन इस डिफॉर्मिटी की वजह से वो आर्च फ्लैट हो जाता है। इसकी वजह से हमारा कंप्लीट सोल ऑफ फुट डायरेक्टली ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। इसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजिशन में रहेगा तो उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस फ्लैट फुट को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम पेडोग्राफ बोलते हैं, लेकिन इसका टेस्ट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। बस आपको करना यह होगा कि एक किसी टब में पानी भर लेना होगा, उसके अंदर नील या कोई कलर डाल देना होगा, उसके बाद अपने दोनों पैरों को उसमें डालने के बाद बाहर निकालना है और एक नॉर्मल पेपर या एक प्लेन सरफेस पे दोनों फुट का इंप्रेशन देना है। अगर ये इंप्रेशन पूरा कंप्लीट सोल का आता है तो फ्लैट फुट होगा, लेकिन अगर आर्च वाली जगह पे इंप्रेशन नहीं आया है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। इसका कॉज है इम्प्रॉपर शूज। अगर कोई व्यक्ति फ्लैट सोल वाले शूज या स्लीपर इस्तेमाल करता है तो उसे फ्लैट फुट हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर किसी व्यक्ति का वेट रैपिडली बढ़ रहा है तो उसके फुट के आर्च धीरे धीरे लो हो जाएंगे और कंप्लीटली डिसअपीयर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैरिंग हैवी वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम। अगर कोई व्यक्ति हैवी वेट को लेकर लंबे समय तक खड़ा रहता है तो उसे भी फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है। फ्लैट फुट की रेमेडीज और करेक्टिव मेजर हैं ताड़ आसन, वॉकिंग ऑन सैंड, वॉकिंग ऑन टोज और हील, रोप स्किपिंग, कलेक्टिंग ए मार्बल विद फुट, ग्रास्पिंग ए ग्रास, रोलिंग ए बॉल और बॉटल विद फुट, और भी बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उसे भी आप नोट कर लें। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्हाट इज एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट टर्म्ड एज, मतलब आगे की ओर स्पाइन के एबनॉर्मल कर्वेचर को हम क्या कहते हैं। इसका आंसर है लॉर्डोसिस, क्योंकि हमने पढ़ा है आगे का कुबड़ यानी लॉर्डोसिस, पीछे का कुबड़ यानी काइफोसिस। इस वीडियो में इतना ही। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, मेरा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।